नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी पॉइंट्स में इनकी फर्स्ट सैलरी बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर मेरी सैलरी तकरीबन 1 लाख रुपए आई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इतनी सैलरी मेरी क्यों आई है और ये कितने दिन की सैलरी है और रेलवे में पॉइंट्स मैन की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है और क्या क्या अलाउंसेस यहाँ पर मिलते हैं। इन डेप्थ इन सब के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, ये आपकी सैलरी स्लिप है जो REESS ऐप जो होता है उसके द्वारा यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने REESS ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है तो आप जो है आप हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें पे स्लिप ऑफ मंथ अगस्त 2023, यानी कि अगस्त 2023 की ये पे स्लिप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में नाम लिखा हुआ है, फिर आपका पदनाम लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, स्टेशन लिखा हुआ है, बिल यूनिट लिखा हुआ है और आधार नंबर लिखा हुआ है। अगर हम मिडिल सेक्शन में आए तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, कौन सा लेवल है वो, इंक्रीमेंट कब लगेगा और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा होता है। और अगर हम राइट साइड में जाएँ तो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट दिखाता है, इसके अलावा आपका जो PF अकाउंट नंबर है वो दिखाता है, एम्प्लॉय नंबर, आपकी सैलरी जो है किसके थ्रू आएगी और आपका सैलरी अकाउंट नंबर और पैन कार्ड यहाँ पर दिखाता है। अगर हम यहाँ पे देखें बीच वाले पोर्शन मिडल के बीच में, तो यहाँ पे आपका जो है दिखाता है कि आपने कब तक आपकी कितने दिन ड्यूटी करी है। तो यहाँ पर दिखा रहे 31 दिन ड्यूटी करी है और यहाँ पर छुट्टियाँ दिखा रहा है, तो अभी देखिए अपडेटेड नहीं है इसलिए ये छुट्टियाँ 000 दिखा रहा है। टोटल जो सैलरी बनी है वो 97,579 यानी कि 97,579 बनी है, जिसमें से 9 रुपए यहाँ पर कटे हैं और 97,570 रुपए आ गए हैं अकाउंट के अंदर। अब देखिए ये कैसे कैसे आए हैं वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखो बेसिक पे जो है वो 18,000 है, ठीक है, ये 18,000 है जो आपका बेसिक पे है। उसके अलावा अरियर ऑफ बेसिक पे, अब ये अरियर ऑफ बेसिक पे क्या है, देखिए मेरी जो ट्रेनिंग थी 18/5/2023 शुरू हुई, इसलिए मेरी जो ज्वाइनिंग डेट है वो 18/5/23 है, लेकिन हमको जो स्टेशन मिला था वो 15 जुलाई को मिला था। तो 18 मई से लेकर 15 जुलाई तक हमको बेसिक और DA मिलेगा, मतलब स्टाइपेंड मिलेगा, और 15 जुलाई के बाद यानी कि आपका जुलाई का आधा महीना और अगस्त का मतलब डेढ़ महीना, तो उस हिसाब से देखिए ये एक महीने का बेसिक रहा जो आपका है 18,000 और ये है 9,871, ये आपके हो गया 16 दिन का, ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग 15 जून की थी वो 15 जुलाई की थी, तो यहाँ पर जो 16 दिन थे उसका आपका ये रहा बेसिक जो है 15 जो भी यहाँ पर आधा महीना था उसका। तो ये तो हो गया पूरा अगस्त का, ये जो आपके जुलाई के 15-16 दिन थे उनके। इसके अलावा जो डियरनेस अलाउंसेस है यानी कि जो महंगाई भत्ता है, फिलहाल आपके पता है कि 42% ही चल रहा है तो वही आया है, तो 42% के हिसाब से आपका ये यहाँ पर बन रहा है, तो ये यहाँ पर आ गया है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो अरियर ऑफ DA, क्योंकि वो 16 दिन का 16 जो भी 15-16 दिन है उसका भी DA आएगा, तो वो आपका 4,116 रहा। HRA जो मिला है, HRA 1,800 रुपये मिलता है अलग अलग सीटों के हिसाब से, XYZ सीटों के हिसाब से। इसके अलावा बात करें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो होता है वो यहाँ पर दोस्तों जो हमको मिलता है फिक्स मिलता है 1,278 रुपये। इसके अलावा अरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये भी जो है 1,278 मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर अरियर ऑफ स्टाइपेंड, तो यहाँ पर देखिए 48,646 स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड क्या होता है, जब से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और जब तक आपको स्टेशन नहीं मिलता तब तक आपको स्टाइपेंड बेसिक प्लस DA ही मिलता है, तो वो जो है मेरा 18 मई से लेके और जब तक स्टेशन मिला मतलब 14 जुलाई तब तक का यहाँ पर है, तो आप देखेंगे 48,646 है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मेरी ज्वाइनिंग जो है, यदि आपकी ज्वाइनिंग जुलाई से पहले की हो जाती है तो जुलाई में आपको पता होगा कि जुलाई के अंदर ड्रेस अलाउंस मिलता है साल में एक बार जो कि 5 साल होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो ज्वाइनिंग है 18 मई की है जुलाई से पहले की, इसलिए मेरा ड्रेस अलाउंस यहाँ पर जो एनुअल आता है 5,000 रुपये आया है। तो टोटल इनको आप समराइज करेंगे तो 97,579 यहाँ पर बन रहे हैं। इनमें से अभी देखिए डिडक्शन क्या है, डिडक्शन हुआ है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी 9 रुपये,
और अभी देखिए मेरा जो है जो एनपीएस है वो नहीं डिटेक्ट हुआ है किसी भी कारण की वजह से। हो सकता है कि मेरा जो प्राण डिटेल है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा होगा, जो भी सैलरी क्लर्क होता है उसके पास। इसके अलावा क्वार्टर मेरे पास है नहीं, तो एचआर मेरा डिडक्ट अभी हुआ नहीं है। अगर मेरे फ्यूचर में क्वार्टर मिलता है तो एचआर यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं समराइज करूँ सिर्फ 1 महीने की सैलरी की, ये तो पूरी है 3.5 महीने के आसपास सैलरी। अगर मैं 1 महीने की सैलरी की बात करूँ फिलहाल, तो देखिए 18,000, ठीक है। उसके अलावा डीए जो है 7560, 7560 आपका डीए हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको एचआर जो मिलता है वो है 1800, इसके अलावा 1278 रुपये ये आपके मिलते हैं। तो ये आपका फिक्स सैलरी है, तो ये हो जाएगा 8, ये 7 और 6 13, और ये 1, 8 और 2 10, और ये 6, 8 7 15 16 17 18, और ये 28, 28,638 रुपये यहाँ पर है। इसमें से आपका अगर एनपीएस कटता है तो 10% आपका एनपीएस इसका बेसिक और डीए का चला जाएगा, लगभग 2500 रुपये। और फिर उसके बाद आपका जो अगर क्वार्टर लेते हैं तो उसका भी डिडक्ट हो जाएगा। बाकी इन हैंड आपकी सैलरी 28,000 आती है विदाउट एनपीएस, और विदाउट आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तब। अगर आप एनपीएस कटवाते हैं, क्वार्टर लेते हैं, तो फिर आपकी सैलरी 25 के अराउंड यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। किसी प्रकार का डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।